हेलो दोस्तों, आईएएस पीसीएस साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम लोग साइंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साइंस के यहाँ पे हम लोग 20 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें 6 क्वेश्चन जो होंगे फिजिक्स के होंगे और 8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के और 8 क्वेश्चन जो होंगे बायोलॉजी के होंगे। ये सारे क्वेश्चन BPSC, UPSSC, RRB, SSC में पूछे गए, इसीलिए ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप सावधानी से कीजिएगा। एक बार क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर आप सुनिएगा, फिर आप उसका आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इन सारे क्वेश्चन को आप सही से कीजिएगा, इस सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा की SI इकाई है ए जूल, बी न्यूटन, सी हर्ज, डी पास्कल। सही आंसर है ए जूल। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है ए टेस्ला, बी एम्पियर, सी कूलम, डी ओम। सही आंसर है ए टेस्ला। अगला क्वेश्चन है, हर्ज ब्रैकेट HJ क्या मापने की यूनिट है ए तरंग दर्द है, बी तरंगों की अस्पष्टता, सी तरंगों की तीव्रता, डी तरंगों की आवृत्ति। सही आंसर है डी तरंगों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मात्रा की इकाई है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलम। सही आंसर है ए एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है ए वाट, बी डायोप्टर, सी ऑप्टर, डी मीटर। सही आंसर है बी डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है ए कैंडेला, बी एम्पियर, सी समुद्री मील, डी डेसिबल। सही आंसर है डी डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है ए खनिज यौगिक, बी खनिज मिश्रण, सी प्राकृतिक तत्व, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी प्राकृतिक तत्व। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्व है ए माणिक, बी नीलम, सी पन्ना, डी हीरा। सही आंसर है डी हीरा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है ए कांच, बी सीमेंट, सी सोडियम, डी बालू। सही आंसर है सी सोडियम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है ए पारा, बी ओजोन, सी वायु, डी अमोनिया। सही आंसर है डी अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है ए वायु, बी ऑक्सीजन, सी अमोनिया, डी पारा। सही आंसर है सी अमोनिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है ए ग्रेफाइट, बी कांच, सी पीतल, डी इस्पात। सही आंसर है ए ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, वायु निम्नलिखित में से क्या है ए तत्व, बी यौगिक, सी मिश्रण, डी तरल। सही आंसर है सी मिश्रण। अगला क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे ए 4, बी 16, सी 8, डी 64। सही आंसर है डी 64। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नांकित में से कौन सी फसल सहायक है ए
चावल, बी गेहूँ, सी फली, डी मकई। सही आंसर है सी फली। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ए ऑक्सीजन का अवशोषण, बी जीवाणुओं का पोषण, सी जड़ों को लाल रखना, डी प्रकाश का अवशोषण। सही आंसर है ए ऑक्सीजन का अवशोषण। अगला क्वेश्चन है, चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग होता है? ए जीवाणु, बी कवक, सी विषाणु, डी शैवाल। सही आंसर है ए जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाला मुक्त जीवी जीवाणु कौन सा है? ए राइजोबियम, बी एजोटोबैक्टर, सी एसीटोबैक्टर, डी एनाबिना। सही आंसर है ए राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है, दही जमाने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? ए एसीटोबैक्टर, बी लिक्नोस्टॉक, सी बेसिलस, डी लैक्टोबेसिलस। सही आंसर है डी लैक्टोबेसिलस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? ए प्रोटोजोआ, बी बैक्टीरिया, सी वायरस, डी नेमेटोड। सही आंसर है बी बैक्टीरिया। तो दोस्तों, इस 20 प्रश्नों में जो साइंस के थे, कुछ क्वेश्चन भौतिक के थे, कुछ रसायन के और कुछ जीव विज्ञान के थे। इन 20 क्वेश्चन में से आप कितना सही किए हैं, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस तरह आप जीके का टेस्ट देते रहिएगा, साइंस आपका मजबूत हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे 30 क्वेश्चन लाएँ।